शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यार मतलब मुझे जाना पड़ेगा। जाने का मतलब मेरा मामा है ना ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने स्पॉन्सरशिप भेजी है मुझे। यहाँ से सीधा जा रहा हूँ मैं ऑस्ट्रेलिया, जहाज से ऑस्ट्रेलिया। अरे उतर जा नीचे, क्या जल्दी पड़ी है तुझे जहाज चढ़ने की। अरे तू सच में जा रहा है बब्बू? Yeah, I'm going. ठीक है भाई, बब्बू भी हमारे लिए शैंपू लेके साल की साल आया करेंगे। किकली कलीर थी पाक मेरे वीर थी, तो पट्टा पर जाई था बेटे मुझे वाई था। अब जो मर्जी पूछा मुझे मत छोड़ना। अच्छा पूरा गांव बुला रखा है थाने में। एसएचओ साहब, ये आपके थाने में कोई कायदा कानून है कि नहीं? हमारे जवान लड़के मरते मरते बचे हैं, अभी पर्चा काटो इंस्पेक्टर साहब। पर्चा होगा और आज ही होगा, और होगा भी मोटा, और धारा लगेगी 307, 323, 324 और 326। उस पारसी भर्ती जब 307 लगती है तो 506 पक्की लगती होती है। ओ ठीक है ठीक है, थोड़ा धीरज रख, इतना उतावला क्यों हो रहा है? जितनी धाराओं का तुझको पता है ना, उससे भी ज्यादा ही लगाऊंगा। अरे सुनो, जग्गी को तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा। पर्चा होगा तारे, भोला और बब्बू पर। हवलदार जी जनाब, डाल इनको अंदर। चलो बे। पर सुनो, गांव के लोग जानते हैं इनको मैंने अकेले ने मारा है, पर्चा तो मुझ पे बनता है। बाबू जी, तुम तो कहते थे कि जग्गी हिला हुआ है, जग्गी पागल है। ये तो बड़ा जिम्मेदार आदमी है, ये देख लो तुम सबके सामने यारों के वास्ते अंदर होना चाहता है। तुम ही बताओ तुम्हें किसने पीटा है? ये सब लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं। है आपके पास कोई मौके का गवाह? हाँ है, हम खुद हैं गवाह मौका वारदात के। तुम्हें क्या लगता है बे, पुलिस झूठ बोलती है? आपकी सारी बात समझ गया मैं थानेदार साहब। अब ये भी बता दो कि साफ सुथरी पुलिस की गवाही से मुकरने का क्या लोगे? तो फिर सुनो, सामने वाली पार्टी का फैसला है कि अगर तुम नहर वाली जमीन इनके लिए छोड़ दो तो राजीनामा हो सकता है। ओकी वाली जमीन तो आप आधी साल पहले दबा कर बैठे हो, अब बाकी भी छोड़ दे, हम लोग क्या करेंगे, झुंझुना बजाएंगे। तो ठीक है फिर, एक काम करो, तुम जमीन का मोल दे दो। 1.5 करोड़? कुछ भी नहीं है, 1.5 करोड़ कोई बहुत ज्यादा है। आधे गांव की जमीन बिक जाएगी 1.5 करोड़ इकट्ठा करते करते। अरे सीधी सीधी बात करो थानेदार साहब, कहाँ से जमा करेंगे इतनी जल्दी 1.5 करोड़ रुपए? ना 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 ना, हम तुम्हारे साथ अन्याय थोड़ा करेंगे। तुमको 6 महीने का टाइम देते हैं। ओ ये बिल्कुल नाइंसाफी है, मैं ये बात कोर्ट तक लेकर जाऊंगा। सफल किसान, पूरे गांव में धू हो गई, पता तो अब चलेगा सिर्फ लड़ना आता है या फिर थोड़ा बहुत दिमाग भी है, और पुलिस तो कुछ भी रिपोर्ट बना सकती है। असली बात तो ये है कि जिसने उनको मारा है, हर जाना भी उन्हीं को भरना। और अगर अपने दोस्तों की खैर चाहता है तो नहर वाली जमीन के कागज लेकर 10 बजे से पहले आ जाना, नहीं तो मैं इन तीनों की पर्ची काट दूंगा। जग्गी भैया, रोटी लेकर आया हूँ, जल्दी से इसे खा ले, इसमें 480 रुपए हैं।
मैंने स्कूल के नए बस्ते के लिए जमा किए थे। वैसे पुराना वाला बस्ता 6-7 महीने और चल जाएगा। तू बस्ता ले लेना। मेरे बाबूजी कहते हैं जग्गी जैसा बहादुर बेटा किस्मत वालों के घर पे ही पैदा होता है। मेरे बाबूजी पता नहीं क्यों मुझे गाली देते रहते हैं। मैं भी बड़ा होकर एक सफल किसान बनूंगा, बिल्कुल तुम्हारे तरह। ओहो, मैं तो खीर लाना भूल ही गया, अभी लेकर आता हूँ। चाचू, मिट्टू का मामा जो भी चले जाते हैं वो तारे क्यों बन जाते हैं? सब लोग वहाँ है। पापू, में सारी रस्सियाँ कुएं में फेंक दूंगा। तारा सिंह, कुलदीप सिंह उर्फ भोला, बलविंदर सिंह उर्फ बब्बू, 6 महीने तक गांव की हद से बाहर मत जाना, नहीं तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। राजीनामे पर साइन कर दी ना अपने बाप वाली बात। मुश्किल वक्त में ना उसने कभी सही फैसला लिया था ना इसने लिया। एक गलत फैसले का बोझ मैं अब तक अपनी छाती पे ढो रहा हूँ। भार मैं भी ढो रहा हूँ, यही मौका है वो बोझ उतारने का। अरे, सब फैसले हमेशा दिल से नहीं होते, दिमाग से भी होते हैं। पूछो इसको कौन लाएगा 1.5 करोड़ रुपया। पप्पू मामा को फोन करो ऑस्ट्रेलिया, उनको बोलो चक्की आ रहा है ऑस्ट्रेलिया। गाँव, खेत, कुआं, अपनों को सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर अपनों को छोड़कर अपनों का कुछ बनता हो तो सौदा बुरा नहीं,
मैं बहुत समझदार तो नहीं होता है, पर इतनी बात तो जरूर जानता हूँ, फैसले हमेशा दिल से होते हैं, दिमाग से तो व्यापार होता है।